हम लोग चलें अब वीटी ग्राफ पे कि वीटी ग्राफ का नेचर क्या होगा, और वीटी ग्राफ में हम लोग अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ध्यान में ये रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी एक्सेलरेशन को बताता है और स्पीड टाइम ग्राफ भी एक्सेलरेशन को बताता है। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर भी होता है और एक्सेलरेशन स्केलर भी होता है, और इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि यह जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ना, जैसे यह किसी क्वाड्रेंट को लेते हैं और सपोज कर लिया कि यह स्ट्रेट लाइन है और यह स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, तो इसका इक्वेशन जो है वो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में एम जो है दैट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी स्लोप ऑफ द ग्राफ या थीटा जो है इसमें टैन लगा देंगे, एम इज इक्वल टू हो जाएगा टैन थीटा, है ना, दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ एम। और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, और y एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी c जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। यह इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी हो जाता तो यह नीचे इंटरसेक्ट करता, अगर यही y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाता तो यह इक्वेशन ओरिजिन से पास करता और स्लोप इसका है ना एम इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। तो स्लोप तो हम लोग बार बार समझ रहे हैं और पूरा ग्राफ जो है हम लोग स्लोप पे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यह जो वीटी ग्राफ है, यह जो वीटी ग्राफ है, यह वीटी ग्राफ भी ठीक बहुत सारे हो सकते हैं, इस तरह के हो सकते हैं, आपको जैसे भी इच्छा हो आप ले सकते हो, और अभी करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नेचर आप कैसे निकालोगे। जैसे यह है ग्राफ नंबर, इसको वन मान लिया, पहले इसको मान लीजिए, इसको टू मान लीजिए, इसको थ्री मान लीजिए, फोर फाइव सिक्स सेवन, ये बहुत सारे ग्राफ हैं, वीटी ग्राफ है, और इन सारे मतलब इसमें से कोई भी ग्राफ अगर हम ले लें देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ, जो ग्राफ है उसका नेचर क्या होगा, दैट वी हैव टू एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है हम लोगों को, हाँ। तो हम बताए थे वेलोसिटी के केस में है ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी हम लोग प्लॉट करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी यह ग्राफ जो है एक्सेलरेशन के नेचर को बताएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन जो है ना वो इंक्रीजिंग हो सकता है, एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट हो सकता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है। यही ग्राफ हम लोग को वीटी ग्राफ से बताना है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसके नेचर क्या होंगे। तो जैसे हम लोग पहला ग्राफ ले लें है ना, और इस ग्राफ में हम लोगों को बताना है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ, जैसे यह टाइम है या वेलोसिटी है ना। तो पहले भी बता चुके हैं कि अगर ग्राफ अगर थीटा कांस्टेंट हो जाए, यानी इस लाइन के हर पॉइंट पर इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट द थीटा रिमेंस कांस्टेंट, दैट इज द स्लोप रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब है कि यह कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बताएगा, ठीक है। थीटा एक्यूट है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आप ग्राफ देख करके बता सकते हो, ठीक है, कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा ग्राफ, यहाँ पे आता है दूसरा ग्राफ हम लोग लेते हैं है ना। तो दूसरा ग्राफ का नेचर बताने के लिए है ना, इस पर हम लोग भी लेते हैं, इस पर हम लोग टी लेते हैं, इसके हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ द टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसके हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जाते हैं थीटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ओरिजिन से आगे जाते हैं थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता हुआ जाता है, तो थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता हुआ, यानी थीटा जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है,
देयरफोर है ना, यह किस एक्सेलरेशन के किस नेचर को बताएगा, है ना। तो m जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, है ना, तो यह डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को बताएगा। एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीजिंग है, लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। दिस विल बी द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये पहला ग्राफ का नेचर हुआ, यह दूसरा ग्राफ का नेचर हुआ। फिर हम लोग तीसरे ग्राफ का नेचर देखेंगे कि तीसरा ग्राफ का नेचर क्या है, ठीक है। तो तीसरा ग्राफ हम लोग का ऐसा है, इस पर हम लोग टाइम लेते हैं, इस पर हम लोग वेलोसिटी लेते हैं। तीसरा ग्राफ हमारा ऐसा है, आप खुद ही बता सकते हो इसमें कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ, क्योंकि यह एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। और यह एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा तो आप ओरिजिन से स्टार्ट करो, टेंजेंट ड्रॉ करना हर पॉइंट पे। अगर आप हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो यह थीटा जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और थीटा एक्यूट एंगल है, तो यानी कि यह इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को बताएगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को बताएगा, प्लस पॉजिटिव एक्सेलरेशन, प्लस पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पहला इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और दूसरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यह ग्राफ आपने देख लिया, यह ग्राफ आपने देख लिया, यह ग्राफ आपने देख लिया, यह ग्राफ आपको बता रहा है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को, और एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम लोग अगला नेचर ग्राफ का देखते हैं कि नेक्स्ट नेचर क्या होगा ग्राफ का। तो अगला नेचर आपका है ग्राफ, अगला ग्राफ है ये, हाँ, एक्स और वाई, इस पर टाइम लेते हैं, इस पर वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, यहाँ भी आप देखो, इसके हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो थीटा कांस्टेंट है, इसमें थीटा कांस्टेंट है, यानी कि टेन थीटा कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, तो यह आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बताएगा। दिस रिप्रेजेंट द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, और प्लस पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यह जो है यह पॉजिटिव एक्सेलरेशन को बताएगा, ठीक है। बट द वेलोसिटी डज नॉट स्टार्ट एट t इज इक्वल टू जीरो, लेकिन अंतर यही है कि वेलोसिटी t इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जबकि यह ग्राफ हुआ या यह ग्राफ हुआ, इस दोनों ग्राफ में वेलोसिटी जो है वो t इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अगला नेचर हम लोग देखें नेक्स्ट, ठीक है, कि ग्राफ अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, है ना, तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो तो यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, थीटा विल बी 90 डिग्री। और थीटा जब 90 डिग्री होगा तो टैन थीटा में, टैन में थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी यह ग्राफ मीनिंगलेस हो गया, यानी अनडिफाइंड ग्राफ। आपको लिखना है कि दिस ग्राफ विल बी अनडिफाइंड, यह ग्राफ अनडिफाइंड होगा, ठीक है। वहीं पे अगर आपको अगला ग्राफ आता है, इस तरह का ग्राफ आता है ना, ये ग्राफ आता है, इस ग्राफ का नेचर क्या होगा, इस पर टाइम है, इस पर वेलोसिटी है, ठीक है। तो थीटा तो इसमें भी कांस्टेंट है, लेकिन जब भी हम लोग थीटा मेजर करते हैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो ये है, इसके साथ एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यानी नेचर जो होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि थीटा यहां कांस्टेंट है, लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है, ठीक है। और अगर ये ग्राफ आता है आपको, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आता है,
इफ द ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इस पर आप वी ले रहे हो, इस पर आप टी ले रहे हो, ठीक है, दिस ग्राफ इज पैरेलल टू दिस ग्राफ, तो यहां पर थीटा जीरो हो जाएगा क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच एंगल हमेशा जीरो डिग्री होता है, तो यह लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा तो स्लोप जीरो हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो, एम मतलब स्लोप समझिएगा, हम स्लोप लिख दे रहे हैं, नहीं एम इज इक्वल टू मास, स्लोप जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो इट मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, दिस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यह जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम लोग नेचर समझ लिए कि ग्राफ जो जब भी हम लोगों के सामने एक्स टी ग्राफ आता है या वी टी ग्राफ आता है तो वी विल फाइंड द नेचर ऑफ द ग्राफ, हम लोग ग्राफ का नेचर समझ जाएंगे कि ग्राफ का नेचर क्या है। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम हम लोग देख लें कि ग्राफ पे प्रॉब्लम कैसे बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ पे प्रॉब्लम से पहले अभी जैसे हम लोग पढ़े, है ना, अभी जैसे हम लोग पढ़े कि थीटा अगर ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल, जैसे आपको है ना यह ग्राफ दिया, यह डिस्प्लेसमेंट टाइम, ध्यान हमेशा रखना है कि डिस्टेंस टाइम है या डिस्प्लेसमेंट टाइम है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा तो ग्राफ इस रीजन में भी आएगा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ग्राफ सिर्फ इसी रीजन में रहेगा क्योंकि डायरेक्शन डायरेक्शन का मामला स्पीड में नहीं होता है, ठीक है, स्पीड में नहीं होता है। जैसे है ना यहाँ पे ये ग्राफ अगर आपको आ रहा है, ठीक है, इस पर टाइम है ना, इस पर टाइम है और इस पर आप वेलोसिटी ले रहे हो, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ, इस ग्राफ का नेचर क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जैसे यह टी है और यह वेलोसिटी है और यह ग्राफ दे रहा है और इसमें कह रहा है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ, नेचर ऑफ द ग्राफ बताइए। तो इसमें नेचर ऑफ द ग्राफ क्या देख रहे हो, आप देखो कि जैसे जैसे टी इज इक्वल टू जीरो से टाइम बढ़ रहा है, इस पर अगर डिफरेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे पॉइंट ले लो तो ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट ले लो तो ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट ले लो तो ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट ले लो, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी घट रहा है, बाय इंक्रीजिंग द टाइम द वेलोसिटी डिक्रीजेस, और फिर है ना टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप यहाँ से देखो इस पर अगर पॉइंट लोगे आप, ठीक है, इस पर अगर पॉइंट लोगे तो टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, है ना, यह ग्राफ किसका है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड अगर थ्रो करते हैं, है ना, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें, तो वर्टिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा एंड इट बिकम्स फाइनली जीरो, और यह अपर पोर्शन पे फाइनली जीरो हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ टाइम के साथ, और फिर यहाँ से यह फ्री फॉल करेगा, तो जैसे जैसे यह नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए इन द फर्स्ट रीजन द ऑब्जेक्ट हैज बीन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया गया है, उसके बाद वह वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है जिससे कि इसका स्पीड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ वर्टिकली अपवर्ड मोशन एंड दिस इज द ग्राफ, यह जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, है ना। लेकिन अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ यहीं पे ले लें, अगर यहीं पे हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ ले लें देन द ग्राफ बिकम्स दिस, तो ग्राफ ये हो जाएगा, ये स्पीड टाइम ग्राफ हुआ, है ना, यह स्पीड टाइम ग्राफ, दोनों एक ही चीज को बता रहा है। इसमें देखिए टाइम बढ़ने के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका स्पीड घटता जा रहा है, आप इस पर पोजिशन लेते चलो, हाँ डिफरेंट पोजीशन ले लो, इसमें देखो जैसे जैसे यह टाइम बढ़ रहा है स्पीड बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, यहाँ से है ना जिस डायरेक्शन में यह जा रहा था ठीक इसका अपोजिट डायरेक्शन में यह मूव करेगा क्योंकि यह ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है और यह एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस पर दो चार प्रॉब्लम हम लोग
फिर से डिस्कस करेंगे। अभी तो ये आपको कॉन्सेप्ट, जैसे एक प्रॉब्लम यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कि ये नेचर बताइए इस ग्राफ का, कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ, यहाँ जो ग्राफ है इसका नेचर क्या है। तो आप क्या करो कि इस पर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखो और यहाँ से जहाँ पे टच कर रहा है, यानी एक ही टाइम पे अगर यह एक्स टी ग्राफ होता है तो दो पोजिशन होंगे, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी होंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ देखने के बाद सबसे पहले आपको यह देखना है कि वेदर दिस ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट, अदरवाइज उसके बाद आफ्टर दैट यू विल टेक द स्टेप। उसके बाद आपको स्टेप लेना है कि ग्राफ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्राफ होंगे जो पॉसिबल ही नहीं होंगे तो उन पर कोई डिस्कस ही नहीं करना है। तो यह ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इस तरह के ग्राफ पर हम लोग फिर नेक्स्ट डे कुछ प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। ओके।